हम जल्दी से पास पेपर्स की तरफ चलते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टी दो सवाल नजर आ रहे हैं हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज टू कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ईज सब्जेक्ट हर बंदा कंपिटेंट है अगर वो मेजर हो और साउंड माइंड हो मैं कह दिया हर बंदा जो मेजर भी हो और साउंड माइंड भी हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डिस्क्राइब द इन पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द दफ कंडीशन इसके अलावा भी कुछ ऐसी शराइतें आप कहेंगे हाँ जी वो चार शर्तें एलियन एनिमी वो जो दूसरे मुल्क का एक वो दुश्मन है आपका या इंसॉलवेंट बंदा है या वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा है या जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं तो वो आपने लिस्ट दी रट्टे वाला सवाल सीधा सीधा फोर्थ मार्च को एलिया एग्री टू सेल हर एंसल जूल्स टू सलमा एट डिस्काउंटेड प्राइस जी एक uh, चार मार्च को एलिया ने कहा कि वो अपने अबाज दाद के जो जेवरात हैं वो सलमा को बेचेगी डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑन नेक्स्ट डे सलमा केम टू टेक डिलीवरी जब नेक्स्ट डे सलमा वो चीज़ें लेने आई तो एलिया के ब्रदर ने कहा जिसके पास वो uh, जवाहरत पड़े हुए थे उसने डिलीवरी नहीं दी वो सामान नहीं हवाले किया क्यों ऑन द द्रीमाइज़ ऑन द कंडीशन पेपर में अगर कोई मुश्किल लफ्ज नजर आए ना आपने पूरे जुमले का बा महावरा तर्जुमा करना है अगर समझ आ जाए तो इग्नोर कर देना है कि वर्ड आपको आता है या नहीं आता पेपर से फारिग हो के उसको ज़रूर गूगल पर सर्च करना है लेकिन पेपर में बैठ के एक वर्ड ना आने की वजह से सवाल छोड़ नहीं देना आपने पूरे जुमले को समझ के उसका कॉन्टेक्स समझना है अब मुझे नहीं पता प्रेमाइज़ किया फॉर एग्जाम्पल तो हम कहेंगे उसने ऑन द पता नहीं किया ये कह दिया कि एलिया वॉज एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल और देयरफॉर हर अर्लियर एग्रीमेंट टू सेल द जूज वर्ड नॉट वैलिड देखो कहा तो मेंटल हॉस्पिटल में उसने जो वादा किया था वो तो वादा ही गलत है वो तो दिमागी अस्पताल में अब मामला नाजुक हो गया क्या एलिया का भाई जस्टिफाइड है सवाल ने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो अगले दिन पता ही लगा बताया ये गया कि वो होशो में नहीं है आज शायद उसे दौरा पड़ गया हो कल तो होशो में थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या था सवाल ये नहीं बता रहा तो आप ये कह दें कि भाई लॉ ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको होशोवास में होना चाहिए अगर एट द टाइम वो होश में थी तो अब बेशक मेंटल हॉस्पिटल में चली गई हो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन अगर एट द टाइम भी वो पागल थी तो फिर जो है ये मामला तो इस इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आता है जो कंफर्म करता है ये कल अगर भाई से पूछ लेती तो शायद बात बन जाती तो आज ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा तो अब आपको क्या करना होगा सिचुएशन में कहना होगा कि अगर वो साउंड थी एट दैट टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और अगर वो साउंड नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट है सवाल ये नहीं बता रहा कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट क्या था आज उसने कहा वो मेंटल हॉस्पिटल में है अगर कल मेंटल हॉस्पिटल में होती तो आपको भी पता होता तो इसलिए सवाल थोड़ा सा ओपन है तो आपने दोनों तरफ से उसको आंसर किया लीगल लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिड्रेशन में एक सवाल नजर आया एग्रीमेंट कैसे कहते हैं कब एग्रीमेंट वॉइड होता है वो सर्कमस्टांस बताएं जहां ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अच्छा ये रिपीट हो रहा है सर्कमस्टांसिज अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट कब वॉइड होता है वो कौन सी सिचुएशन है जहां एग्रीमेंट इ माना जाएगा वो पांच बातें आपको अच्छी तरह से आती हैं देन कंसिडरेशन कंसिड्रेशन में भी रिवर्स ऑर्डर में आते हैं डिस्क्राइब द सर्कमस्टांस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिड्रेशन इज कंसिडर वैलिड एंड बाइंडिंग वो सिचुएशन बताएं जहाँ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी वैलिड होता है आप कहेंगे गिफ्ट अगर प्रॉपर ट्रांसफर हुआ टाइम डेट अगर बाद में लिख के वादा कर लिया जाए नेचर लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ और गवर्नमेंट में रजिस्टर हो जाए प्रोमिस टू कंपनसेट पास्ट अगर जाके इकरार कर लिया जाए तो उसकी शराय लिखेंगे सात नंबर का सीधा सीधा सवाल ए वॉज बैडली नीड ऑफ़ मनी एंड ऑफर टू सेल इज मोटरसाइकिल वर्थ पचास हज़ार टू बी फॉर दस हज़ार ए को पैसों की जरूरत थी उसने पचास हज़ार की चीज़ दस हज़ार की बेच दी बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली लेकिन बिफोर द मोटरसाइकिल कुड बी डिलीवर ए रिसीव एन ऑफर फॉर पैंतीस हज़ार इससे पहले कि मोटरसाइकिल देता किसी और ने आगे पैंतीस हज़ार की ऑफर भी करा थी ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और कह दिया तुमने तो कंसिड्रेशन ही बड़ी कम दी थी मुझे तो अच्छी कंसिड्रेशन मिल गई है आप कहेंगे नहीं कानून ये कहता है कि कंसिड्रेशन होनी चाहिए चाहे इन्हें एडिकुएट हो अगर पार्टी फ्री माइंड थी तो दस हज़ार वाला पुराना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इज ए लाइबल टू बी फॉर डैमेजेस हाँ जी ए लाइबल है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ऊपर चलते हैं तारिक प्रोमिस टू पे ताहिर फॉर सर्विसिज वट एवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल तारे तारिक ने ताहिर से कहा कि मैं तुम्हारी सर्विसेज के उतने पैसे दूंगा जो मुनासिब लगेगा ताहिर इज नॉट डिससेटिस्फाइड विद द अमाउंट पेड बाय तारिक ताहिर और तारे के दरमियान जो मामला हुआ अब एक डिससेटिस्फेक्शन है कि भाई ये तो अमाउंट से ही नहीं दी गई बताएं क्या ताहिर सू कर सकता है सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही अमाउंट कितनी है अगर एक अमाउंट डिफाइन हो जाती और कम होती और वो मान गया होता तो बाद में वो नहीं रो सकता था लेकिन इस वक्त अमाउंट डिफाइन नहीं हुई तो एन से बात आगे चली गई है सर्टेनिटी मिसिंग हो गई है इस सवाल से एक बात पता लगेगी हो सकता है सवाल को कुछ लोग सर्टेनिटी में ले जाएं हो सकता है कुछ लोग इसको इन की तरफ ले जाएं दिस कैन हैपन आई कैप में एक एक सवाल के कई कई जवाब भी हो सकते हैं आ, उनके जो चेकर्स हैं उनके पास कई दफ़ा पांच पांच सोलूशन होते हैं एक सवाल के कि उस लॉ के मुताबिक यूं जवाब हो सकता है उस लॉ के मुताबिक दिस कैन हैपन कि एक बंदे का जवाब दूसरे से फर्क हो जब आप सोलूशन देखेंगे उसमें किसी एक एंगल से जवाब मिलेगा बट दिस कैन हैपन कि किसी और एंगल से आपने सोचा है तो ऐसे में किसी टीचर को किसी कोलीग को मेल करके या मैसेज करके पूछ लिया करें कि मैंने यूँ सोचा है तो बताओ क्या ये मेरी सोच सही लग रही है डन तो इसका इनएडिक्सी की तरफ से भी जवाब हो सकता है लेकिन ज़्यादा बेहतर जवाब है कि इसमें अमाउंट की सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही एक कौसाई कॉन्ट्रैक्ट होता था पुराने ज़माने में पर लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है इन केस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेट द कंडीशन है स्पेसिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट है विच मस्ट बी फुलफिल टू मेक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ये सिचुएशन पढ़े और बताएं कि आप क्या करेंगे इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फरवरी 2014 में राहील ने प्रॉमिस किया कि वो तीन लाख देगा समीर को एक डेट पाँच लाख का जो कि मार्च 2010 में ड्यू था मार्च 2010 में ड्यू था तीन साल गुजरने के बाद मर गया होगा अब वो कहता है कि जी मैं आपको तीन लाख दूंगा तो ये आ, कब वैलिड होगा जब रिटर्न होगा और उसको बकायदा उस बंदे ने साइन किया होगा जिसने पैसे देने हैं शाजिया प्रॉमिस टू पे वन हंड्रेड थाउजेंड टू तो हर ब्रदर रऊफ ऑन फोन अकाउंट हज़ यूनिवर्सिटी फी फॉर थ्री इयर्स तीन साल की फीस के उसने कहा मैं तुम्हें एक लाख रुपए तुम्हारी फीस की तुम्हारी यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ भरूंगी नेचुरल अवन एफ एक्शन है राइटिंग में हो और रजिस्टर हो तो वैलिड हो जाएगा मिस इग्राम वो सर्चिंग फॉर हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटी पाँच लोकेलेटी और उसके ग्रैंडफादर ने ने वादा किया कि वो वन मिलियन उसको देंगे गिफ्ट घर खरीदने है उन्होंने कहा वन मिलियन मैं तुम्हें तो गिफ्ट कर दूंगा आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील मिसेस इकराम ने फिर नदीम से जो कि दादा थे उनसे कहा जी आप वन मिलियन दे आपने वादा किया था उन्होंने कहा सॉरी भाई वो मैंने कोई नहीं देने पैसे मिस इकराम ने दादा के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि एनफोर्समेंट ऑफ प्रोमिस अब वो कौन से सरकम हैं जिसमें मिसिज इकराम जो है वो दादा से अमाउंट रिकवर कर सकती हैं अगर तो वो वादा अगर ट्रांसफ़र कर दिए होते तो बात और थी वो तो कम्पलीटेड तो 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 गिफ्ट है अब चूँकि नेचुरल एंड अफेक्शन है लिख के वादा होता रजिस्टर हुआ होता और नियर रिलेशन हमें नज़र आ रहा है कि ग्रैंड है तो फिर ये वादा एग्जीक्यूट हो सकता है इंडिपेंडेंट सिनेरियो को आपने बताना है मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम यूरोप वो यूरोप जाना चाहता है हिज पिटर्नल अंकल फुरकान बट हैज प्रॉमिस हिम टू पे टू मिलियन बाय वे ऑफ अ गिफ्ट अब आपको नहीं पता पिटर्नल क्या है कोई मसला नहीं हिज पता नहीं कौन से वाले अंकल फुरकान बट ने वादा किया है कि वो दो मिलियन देंगे गिफ्ट के तौर पर जब वो एडमिशन कराएगा जब उसने एडमिशन कराया तो उसने कहा जी वो आपने दो मिलियन देने का वादा किया था चेक करें किताब को भी पता है कि तालीम कितनी महंगी है नीचे पॉश एरिया में घर खरीदना था और वन मिलियन का लोन था इधर यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है दो मिलियन एजुकेशन में सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती रह गई है सी ए कॉलेज बाकी जो है ना वो हर तरफ एजुकेशन को आग लगी हुई है तो मार्केटिंग भी हो गई कॉलेज़ की आफ्टर आ, ये फुरकान भट ने रिफ्यूज़ कर दिया उसने कहा जी मैंने कोई नहीं पैसे देने तो बताएं वो क्या शराय हैं जिसमें पैसे दिए जा सकते हैं अब आपको नहीं पता पिटर्नल अंकल का क्या मतलब है तो अब आप कहेंगे अगर तो ये रिलेशन नियर है अगर पार्टीज़ में एक रियल नेचुरल फैक्शन है अगर लिखा गया है और रजिस्टर हुआ है तो ये पाबंद होंगे आखिरी सवाल अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांस इन विच एग्रीमेंट विदाउट कंसिडेशन कंसिडर टू बी वैलिड एक दफ़ा इसी तरह से डिस्कशन हो रही थी मैं लोगों से कहता था कि ये सिनेरियो इस तरह से कर लें और रटे वाले सवाल भी आते हैं तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अब पिछले तीन साल से ऐसा हो रहा है कि रटे वाले सवाल आते ही नहीं बेचारा फंस गया ये कह के फिर उसके साथ मैंने बैठ के पिछली छः की छः अटैम्प में वो सारे रटे वाले सवाल दिखाए जो कि कम से कम पैंतीस नंबर के थे कम से कम साल पहले ही क्लियर कट रट्टे वाला ये बड़ा लॉजिकल चैप्टर है लेकिन उन्होंने रट्टा पूछा तो अगर कहीं रट्टा आए तो आपने उसको भी जहन में रखना है तो दैट वाज लास्ट क्वेश्चन चैप्टर थ्री हम लोगों ने पास पेपर समेत खत्म किया